लगता है तुम भूल गए कि तुमने अपना बोन कहाँ रखा है। आइडिया, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो तुम्हारे छुपे हुए बोन्स को खोदकर ढूंढ निकालेगा। क्या कहती हो चीकी? मोबी की मदद करते हैं, मशीन बनाते हैं। राजा तुम कितना अच्छे हो। बटन को पुश करो और स्टॉप करने के लिए लिवर को पुल करो। ध्यान से। मोबी चल रहा है, मोबी को मजा आ रहा है। मोबी के बोन मशीन ने बोन को ढूंढ लिया। मशीन को पकड़ना है मुझे। नहीं, मोबी लॉन के बाहर चला गया है। चीकी जल्दी चलो। जरा संभल के। मोबी सीट बेल्ट को काट कर लूज करने की कोशिश करो। साइड में एक बटन है, उसे दबाओ। ठीक है राजू, मशीन रुकी नहीं। नहीं सॉरी, मैंने तुम्हारी मशीन तोड़ दी। कोई बात नहीं मोबी। तुम दोनों तो बूढ़े लग रहे हो पर समझदार भी। राजू वहाँ देखो। मोबी के पास बहुत सारे बोन्स हैं। ओ मोबी तुम कितने प्यारे हो। हेलो एवरीबॉडी। हाय। हेलो पापा। ये क्या हो रहा है? अच्छा पता है आज क्या हुआ? क्या? हाँ? खैर छोड़ो, शायद तुम लोगों का सुनने का मूड नहीं है। जूली तुमने कल का मैच होमवर्क किया? कल के मैच प्रॉब्लम तो बहुत ही मजेदार थे। Thank you.
वह सब कॉम्पिटिशन का फायदा ही क्या? मैं कुछ नहीं जानती। सुपर हीरो ड्रेसअप कॉम्पिटिशन में, जहाँ सभी लोग अपने फेवरेट सुपर हीरो के अवतार में आए हैं। आज जिस बच्चे की कॉस्ट्यूम सबसे अच्छी होगी उसे मिलेगी ये शानदार ट्रॉफी। तो अब सब एक एक करके स्टेज पर आए और अपना कमाल दिखाएं। सारे बदमाश चाहते हैं डर। मैं हूँ वो सुपर हीरो स्पूकी स्पाइडर। ये आदमी को जाना पहचाना लग रहा है। आर्यनगर के बच्चे, तुम्हें तुम्हारा माइटी राजू अच्छा लगता है ना? पर पता है क्या, मुझे माइटी राजू बिल्कुल पसंद नहीं। स्पूकी स्पाइडर, माइटी राजू को कुछ नहीं बोलना। वरना क्या? जूली को बचाना होगा। चलो जूली। छुपना बेकार है। ए स्पाइडर, दम है तो यहाँ। माइटी राजू से डर लगता है क्या? रखनी होगी। सोनू ध्यान से चल। बॉस, इस मास्क में तो कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। Huh?
मास्क से बहुत खुजली हो रही है। तो मास्क निकालते हैं, लेकिन फिर हमें कोई गाड़ी या किसी और चीज के पीछे छुप के इनका पीछा करना पड़ेगा, समझे? समझ गया। बच गए। क्या हुआ राजू? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है। मोबी, बॉल पकड़ो। बहुत अच्छी मोबी। ये लो सोनू, एक सिंपल सा कैच नहीं पकड़ सकते? अब जाओ और जाकर उनसे बॉल लेकर आओ। जूली पकड़ो। बंदरों की तरह क्यों चल रहे हो? तुम्हें पता भी है सॉफ्ट बॉल से कैसे खेला जाता है? हम जानते हैं इसे कैसे खेलते हैं। चली बेबी कॉट यहाँ कैसे आया और क्या हमें इसमें नींद आ गई थी? क्या हुआ राजू, इतना प्यार बरसा रहे हो? तुम ठीक तो हो? कितने प्यारे लग रहे हो मोबी।
प्यारा नहीं लग रहा जूली। दो कौड़ी के रंगीन धागे लगाने को तुम डेकोरेशन कहते हो? जब हम ये सुंदर बेल्स लगाएंगे तब पता लगेगा कि इस जगह कोई उत्सव हो रहा है। सब चार्ली को ही करना पड़ता है। रंगीन धागे हो या बेल्स चार्ली, ये सारी छोटी छोटी चीजें ही तो एक बड़ा उत्सव बनाती हैं। यहाँ सब हिस्सा ले सकते हैं। ये निकल ही नहीं रहा। वाह चार्ली, तुम तो उत्सव के लिए बहुत सजे धजे लग रहे हो। स्टूडेंट्स अपनी पसंद से कोई एक हॉबी चुन सकते हैं। टर्म खत्म होने पर सबके हॉबी प्रोजेक्ट पूरी क्लास और प्रिंसिपल सर के सामने दिखाए जाएंगे और एक बेस्ट प्रोजेक्ट का प्राइज भी दिया जाएगा। ये रंग बिरंगी पेपर एनिमल्स कितने क्यूट है। ओरिगेमी सीखकर मैं भी ये सब बना पाऊंगी। कौन करेगा इतनी मेहनत। म्यूजिक क्लब, वहाँ देखो स्टैम्प कलेक्टिंग क्लब भी है। चलो फोटो से जुड़ी अपने आप कोई कहानी बना लेते थे। मैं तो स्टैम्प्स कलेक्टिंग क्लब ज्वाइन करूंगा। ये तो बिल्कुल बोर है। अच्छा चार्ली, तो तुम बताओ तुम कौन सी हॉबी चुन रहे हो? ये एक्टिंग क्लब मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। इतनी अच्छी एक्टिंग सीख लूंगा कि फिर जब झूठ बोलूंगा तो सबको मेरी एक्टिंग से लगेगा कि मैं सच्ची बोल रहा हूँ। ओरिगामी के लिए चाहिए बस पेपर। वो हाथी, ड्रैगन और डायनासोर बनाने के लिए भी, पर वो तो बहुत मुश्किल लग रहा है। पहले कुछ आसान आकारों से शुरू करते हैं। सबसे पहले तबले पर हाथ जमाना सीखेंगे। ये हाथ ऐसे फ्लैट रहेगा और इधर बीच की उंगली उठी रहेगी। अब हाथ थोड़ा पीछे और पहले उंगली से बजाना शुरू करते हैं। एक्टिंग की पहली क्लास। सर, हमें हीरो की एक्टिंग सिखाएंगे? नहीं, पॉपकॉर्न की। एक्टिंग के लिए जरूरी है कल्पना करना और फिर वो कल्पना खुद बन जाना। तो कल्पना करो कि तुम एक पॉपकॉर्न हो। पहले एक छोटा सा सिकुड़ा हो दाना, ऐसे ही ऐसे ही, और फिर जब तक कर वो दाना फूट कर फैल जाता है। ओ फूट, ये तो पॉपकॉर्न नहीं, मेंढक जैसा था। और सबसे पहले अपना हॉबी प्रोजेक्ट पेश करेगा राजू। ओरिगेमी क्लास में मैंने बहुत कुछ बनाना सीखा और ये प्रोजेक्ट मैंने खुद अपने आप बनाया है। आज मैं आप सबको एक ऐसे बेटे की एक्टिंग करके दिखाऊंगा जिसकी माँ बहुत बीमार है। जाने क्या कुल खिलाएगा ये चार्ली। सब्जी कौन लाएगा? माँ, डॉक्टर ने तुझे सब्जी खाने से मना किया है। ये ले, रोटी खा माँ, रोटी खा। मैंने आटे में तेरी दवा भी मिला दी थी ताकि तुझे कड़वाहट का पता ना चले।
पाती। क्या मतलब? अंतरिक्ष के सबसे खतरनाक लुटेरे थे वो लोग, उन्होंने मुझसे मेरा यान लूट लिया। ठीक है, पहले मुझे मेरा विंगसी लौटा दो, उसके बाद तुम्हारा यान ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ट्रैकर से सिग्नल मिल रहा है, उनका महायान यहीं आसपास है। मेरा यान, ओए छूना नहीं मेरे यान को। उन्हें यान तक पहुंचने ना देना, खत्म कर दो उन्हें। बड़ा माइटी समझता है तुमको? समझता नहीं। चीज को पत्थर में बदल सकता था। सच कहो,
मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। बच्चे निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। ये आइसक्रीम कितनी टेस्टी है। बहुत टेस्टी। आइसक्रीम वाले भैया, मुझे चॉकलेट, वेनिला, पिस्ता, बटरस्कॉच और स्ट्रॉबेरी सभी के एक एक स्कूप दे दो। मैं कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे हो बच्चों? हेलो कमिश्नर खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कहीं आइसक्रीम को गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो। राजू, मूर्ति अंकल टिकट्स लेके कब आएंगे? गोपी, मूर्ति अंकल कभी भी टाइम पर कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। पर अब मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा हूँ। अच्छा, तो क्या करूँ? ये लो, अभी तुम सबका मनोरंजन करता हूँ। वो कैसे राजू? दोस्तों, पेश है मेरा मिनी जू। मोबी, रेडी? मगरमच्छ, गुड बॉय। मोबी चुनाव, क्या बात है। हाथी कैसे चलता है मोबी? बड़ा शानदार हाथी है ये हमारा। शाबाश। क्या बात है मोबी। बंदर कैसे एक्ट करता है? हाँ?